तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लिसन क्लास ध्यान से, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज एटीपी, व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या है, व्हाट इज एटीपी। ओके 2019 में क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट वाइज ही से लिखिएगा इसे, पॉइंट वाइज ही क्या करिएगा इसे, पॉइंट वाइज ही लिखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट हमको डिस्कस करना है एटीपी, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपने देखा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, यह एटीपी का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। और दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो अब अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल का एनर्जी करेंसी कौन है, सेल का एनर्जी करेंसी कौन है, तो कौन सा है, एटीपी है। ये आपका एमसीक्यू का एक क्वेश्चन हो गया, याद रखिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। सेल का एनर्जी करेंसी कौन है, तो यह कौन सा है, एटीपी है। एटीपी का प्रोडक्शन जो है, एटीपी का फॉर्मेशन जो है, कब होता है, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। यानी कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन में एटीपी का क्या होता है, एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो आपको रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर वो पॉइंट डाल दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाए, ठीक है। रिस्पायरेशन के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और रिस्पायरेशन कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, और एरोबिक रिस्पायरेशन में 1 मोलर ग्लूकोज से कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ड्यूरिंग एनएरोबिक रिस्पायरेशन 1 मोलर ग्लूकोज से कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है, 2। आगे बातों में, अब उसके बाद अगर आप यहां देखें, तो क्या दिया हुआ है, 1 मोलर एडीपी। चेक करिएगा एडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ एडीपी, चेक करिएगा 1 मोल ऑफ एडीपी एंड 1 मोल ऑफ आईपी, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यूज दिस एनर्जी एंड फॉर्म एटीपी। रिएक्शन आपके सामने लिया हुआ है, एंड इट इज अ कैसी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा, सारे पॉइंट्स याद हो गए,